जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। एलएमबी लाइसेंस धारकों के लिए जानकारी है, क्योंकि हैवी लाइसेंस बनाने के लिए एलएमबी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यह जानकारी एलएमबी लाइसेंस धारकों के लिए है। और यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको चार यहां पर मेन जो टर्म्स कंडीशन है यानी कि शर्तें हैं वो आपको पालन करना पड़ेगा, पूर्ण करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर नए ट्रांसपोर्ट लाइसेंस या हैवी लाइसेंस बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर चार मुख्य शर्तों के बारे में बताऊंगा जो एलएमबी लाइसेंस धारकों को पूरी करनी पड़ेगी अगर वह चाह रखते हैं हैवी लाइसेंस या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाने की। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग लाइक करेंगे, आपकी एक लाइक से हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप तक नई नई जानकारियाँ पहुँचाने के लिए एनर्जी मिलती है, तो बिल्कुल लाइक अभी कर दें। इस वीडियो के लिए हम टारगेट रख रहे हैं 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं जैसे आप इस टारगेट को अचीव करवा देंगे। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ को फ्यूचर में भी मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। एक एलएमबी लाइसेंस धारक को अब यहाँ पर चार मुख्य जो मेन शर्तें अब मैं बताने वाला हूँ उसको पूर्ण करना पड़ेगा, तभी आप जाकर एक हैवी लाइसेंस या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आसानी से बनवा पाएंगे फ्यूचर में। नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट या फिर हैवी लाइसेंस बनवाने की बिल्कुल ही ख्वाहिश छोड़ दें अगर इन चार यहाँ पर मुख्य टर्म्स कंडीशन का पालन आप नहीं कर पाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आपको सबसे पहली शर्त और यहाँ पर बताने वाला हूँ फर्स्ट पॉइंट में। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला टर्म्स कंडीशन क्या कहता है। सबसे पहला टर्म्स कंडीशन पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास एक एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप एलिजिबल होंगे हैवी लाइसेंस बनाने के लिए। समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पर भी एक और पॉइंट है कि जो आपके पास एक एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल कैटेगरी का लाइसेंस होगा वह एक साल पुराना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। अगर एक साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हैवी लाइसेंस नहीं बनेगा। जिस डेट पर आप ट्रांसपोर्ट या ट्रांस हैवी लाइसेंस आवेदन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि आप जो है वह ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 20 अक्टूबर 2022 को आवेदन करेंगे, तो आपके पास में 20 अक्टूबर 2021 के पहले का एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस बना होना अनिवार्य है, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि कम से कम एक साल तो पुराना होना ही चाहिए, एक साल से ज़्यादा ही हो तो ही बेटर रहेगा। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट शर्त यही कहती है, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, दूसरी शर्त क्या कहती है। अगर आपके पास एलएमवी लाइसेंस है, मान के चलते हैं आपने एलएमवी लाइसेंस बनवा लिया है, एक साल आपने उसको रख लिया यानी कि ओल्ड भी हो चुका है, एक साल, डेढ़ साल, दो साल हो गया है, अब क्या। नेक्स्ट शर्त यह कहती है जो दूसरी है कि आपको अब एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल से जाकर कोर्स करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 42 दिनों का, 6 सप्ताह का कोर्स अनिवार्य है। अगर आप DTC ड्राइविंग स्कूल से कोर्स नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्ट या हैवी लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप अपने नियरेस्ट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में, अपने ज़िले में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर। और इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। ड्राइविंग स्कूल क्या होता है, लोकेशन कहाँ होती है, कॉस्ट क्या होता है, कोर्स कैसे करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उस वीडियो को जाकर आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर में आप टच करके देख सकते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट होना अब अनिवार्य है अगर आप हैवी या ट्रांस लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो इंक्लूडिंग एलएमवी लाइसेंस। तो आपको दो शर्तें मैंने पॉइंट्स बता दिए। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, और शर्त, थर्ड शर्त या पॉइंट टर्म्स कंडीशन यह है कि आपने एलएमवी लाइसेंस आपके पास है, एक साल पुराना भी है, आपने कोर्स भी कर लिया, बट आपकी एज अगर 20 साल से कम है तो आप ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हैवी लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। आपकी एज 20 साल से ज़्यादा होनी ही चाहिए एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। जो एज है वो 18 साल है, और अगर ट्रांसपोर्ट हैवी लाइसेंस HMB, हैवी मोटर व्हीकल, HGMB, HPMB, STV, कोई भी LDRXCV, यानी कि हैवी में आपने एंट्री की, तो 20 साल की एज भी आपकी पूर्ण होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि क्या रनिंग एज इंक्लूड होती है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, रनिंग एज इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप 19 ईयर्स के हैं और आप वहाँ पर 2-3 महीने के हैं तो ये मान्य नहीं होगा कि 20वें साल में आप हैं। 20 साल पूरी होनी चाहिए, पूर्ण, कंप्लीट, तब जाकर हैवी या ट्रांस लाइसेंस बनेगा। 3 शर्तें हो गई जी।
चौथी यहाँ पर जो शर्त है या पॉइंट्स है वो यह कहता है कि आपको ट्रैफिक के रोड साइन सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए। आप हैवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, तो आपको जो रोड पर बैनर लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है माइलस्टोन वगैरह, उसको पढ़ने की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए हल्की फुल्की, और आपको जो वहाँ पर योग्यता है, वैसे तो किसी किसी राज्यों में अभी जो योग्यता है हैवी लाइसेंस बनाने के लिए वो अभी भी है 8वीं पास होना। किसी किसी राज्यों में यह योग्यता घटा करके वहाँ पर 0 कर दी गई है। जहाँ आप अनपढ़ भी रहेंगे तो हैवी लाइसेंस बनवा सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके स्टेट पर। तो आप अपने स्टेट में जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जानकारी यह क्लियर है कि आपको सारे चीज़ों की पढ़ने की परख होनी चाहिए। 8वीं पास है तो चलेगा, आपका लाइसेंस बन जाएगा। 10वीं पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हैं तो एक बार अपने RTO में जाकर वहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि यह डिपेंड करता है आपके स्टेट लॉ पर। तो इसके लिए आप अपने स्टेट में RTO में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुल 4 दिशा निर्देश पॉइंट्स टर्म्स कंडीशन हैं LMB लाइसेंस धारकों के लिए, जो पूरा करने के बाद ही एक ट्रांस लाइसेंस और हैवी लाइसेंस बनवा पाएंगे। तो जानकारी कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं, वीडियो कैसे आपको लगती है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़कर @tinkerlal और इंस्टाग्राम का हैंडल है, ट्विटर पर वही है, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर @tinkerlal का हैंडल अवेलेबल है, जाकर आप जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉलो करके। इंस्टाग्राम पर खास तौर पर आपको मैं सुझाव देता हूँ, वहाँ पर आइए डायरेक्टली बात करते हैं DM करके, और ट्विटर पर अपनी समस्याओं को लिख कर हमें ट्वीट करके मैसेज हमें मेंशन कर दीजिएगा @tinkerlal और ट्वीट कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे जानकारी दूंगा, आप वहाँ पर हमारा नंबर भी प्राप्त करते हैं, व्हाट्सअप नंबर या फिर कॉल करने का भी नंबर है, तो इंस्टाग्राम पर जुड़ने से आप काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांटेज होने वाला है। यहाँ तक वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं किया तो कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और सबसे बड़ी बात इस वीडियो को शेयर करिएगा आप सभी दोस्तों तक, फैमिली फ्रेंड्स तक, सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।